Good morning to all my students of class 12 science. Now today we will discuss the double differentiation. आज हम यहाँ पे discuss करेंगे double differentiation means double derivative. जैसे single derivative को हम हमेशा लिखते हैं dy upon dx और y dash और f dash x. लेकिन जब सिंगल डेरिवेटिव को हम दोबारा से फिर करते हैं डिफरेंशिएट तो उसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव मींस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश और एफ डबल डैश एक्स. ठीक है, तो हमें यहां पे किसी फंक्शन को लगातार टू टाइम तक डिफरेंशिएट करना है तब तो जाकर के हमको डबल डेरिवेटिव मिल पाएगा. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू e टू द पावर एक्स. ये मेरे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है साइन एक्स इंटू e टू द पावर एक्स. तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड. तो उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला. So, y बन जाएगा dy upon dx. फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फर्स्ट फंक्शन है ये रहेगा एज इट इज और हम डिफरेंशिएट करेंगे e to the power x को प्लस. उसके बाद e to the power x रहेगा एज इट इज और तब करेंगे हम डिफरेंशिएट अपने पहले फंक्शन साइन एक्स को. क्लियर? तो इस तरह से हमें काम करना है. चलिए आगे. तो dy upon dx equals to sin x into d upon dx of e to the power x. ये हो जाएगा e to the power x plus e to the power x रहेगा ऐसे ही. अब कीजिए आप डिफ्रेंशिएट sin x को तो रिजल्ट आएगा cos x. इन दोनों में से e की पावर x को मैं ले लीजिए क्योंकि e to the power x दोनों टर्म के पास में है, प्लस से पहले भी प्लस के बाद भी. तो मेरे पास बचता है फिर साइन एक्स प्लस कोस एक्स. तो इस तरह से ये हमारे पास में आ गया सिंगल डेरिवेटिव. लेकिन हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव, तो इसी सिंगल डेरिवेटिव को हम एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट. ठीक है, तो चलिए आइए डी अपॉन डी एक्स ऑफ डीवाई अपॉन डी एक्स. उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन x प्लस कोस x. अब ये बन जाएगा इधर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे e टू द पावर x बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा सेकेंड फंक्शन. क्लियर? तो e टू द पावर x रहेगा एज इट इज. हम करेंगे पहले डिफरेंशिएट साइन x प्लस कोस x प्लस. उसके बाद साइन x प्लस कोस x रहेगा ऐसे ही और हम करेंगे डिफरेंशिएट e टू द पावर x को. चलिए आगे इन टू दावर एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ये आ जाएगा कोस एक्स प्लस. डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स ये आएगा माइनस साइन एक्स. चलिए आगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये रहेगा एज इज और हम डिफरेंशिएट करेंगे इन टू दावर एक्स को. And we know that differentiation of e to the power x will not change. E की power x का differentiation होता है e to the power x. तो ये हमारे पास में आ गया double derivative. ऐसे निकालते हैं. तो जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट्स में जाके चलना है और डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस.
चलिए आइए देखो, सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू टू द पावर एक्स, ये मेरे पास में एक क्वेश्चन है और हमारा एम क्या है, हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव। तो चलिए करते हैं इसको डिफरेंशिएट। सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स। चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एफ एक्स बन जाएगा एफ डैश एक्स। जब करेंगे आप डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स। इसके बाद में साइन एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स, इन दोनों पे आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज, हम डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड फंक्शन ए टू द पावर एक्स को। उसके बाद ए टू द पावर एक्स वो रहेगा एज इट इज, हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स को प्लस। अब बात कर लेते हैं कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स की। कॉस एक्स इज फर्स्ट फंक्शन, ई टू द पावर एक्स इज सेकंड फंक्शन। तो रूल के हिसाब से कॉस एक्स रहेगा ऐसे ही और हम करेंगे डिफरेंशिएट ई टू द पावर एक्स को। फिर ई टू द पावर एक्स रहेगा ऐसे ही और हम डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स को। चलिए आगे, तो ये आ जाएगा साइन एक्स रहेगा ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई ए। ए टू द पावर एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स फॉर्मूला होता है कोस एक्स। कोस एक्स रहेगा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स होता है ए टू द पावर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स, ये बनेगा माइनस साइन एक्स। चलिए तो इस तरह से ये आ चुका है हमारे पास में सिंगल डेरिवेटिव, लेकिन हमें तो जाना है डबल डेरिवेटिव पे, तो इसको करना पड़ेगा एक बार और डिफरेंशिएट। ठीक है, यहां अप्लाई करेंगे आप प्रोडक्ट रूल, फिर यहां अप्लाई करेंगे आप प्रोडक्ट रूल, फिर यहां अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तब जाकर के इसको आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग की दो टर्म में से कॉमन ले लीजिए आप ए टू द पावर एक्स, तो इधर बचेगा साइन एक्स इन टू लॉग ई ए प्लस, यहां से बचेगा सिर्फ कोस एक्स, इन दोनों में से बचेगा ए टू द पावर एक्स, तो आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसको करेंगे आप डिफरेंशिएट, ए टू द पावर एक्स बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा सेकंड फंक्शन, फिर ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और तब जाके इसको आप सॉल्व करेंगे और निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। जल्दी से कीजिए, फिर आगे चलना है, क्वेश्चन और लेने हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, y plus 2 sin x into
लोग ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इसको हम करेंगे आप डिफरेंशिएट। सो y बनेगा dy अपॉन dx, साइन x एज इट इज रहेगा और हम डिफरेंशिएट करेंगे उस वक्त log x को, फिर log x ऐसे रहेगा और हम करेंगे डिफरेंशिएट उस वक्त अपने फर्स्ट फंक्शन साइन x को, ठीक है। इसको बोलते हैं बाई पार्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हम करेंगे डिफरेंशिएट पे सेकंड फंक्शन log x को, उसके बाद log x रहेगा एज इट इज और हम करेंगे डिफरेंशिएट अपने साइन x फंक्शन को। चलिए आगे, तो ये मेरे पास में आ गया dy upon dx equals to साइन x, जब करेंगे आप log को डिफरेंशिएट तो आएगा 1 upon x plus log x into, और जब करेंगे आप डिफरेंशिएट साइन x को तो आएगा मेरे पास में cos x। अब इसको हम दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएट, चलिए d upon dx of dy upon dx equals to d upon dx of sin x into 1 upon x plus log x into differentiation of, क्योंकि differentiation हो जाता है distribute, यदि plus है बीच में जैसे sin x plus cos x है तो तब हो जाएगा वो distribute अलग अलग, प्लस से पहले अलग और प्लस के बाद अलग। सो डिफरेंशिएशन ऑफ log x इनटू cos x, चलिए आगे, तो ये मेरे पास में आएगा d2y upon dx square equals to sin x first function 1 upon x second function, first function रहेगा first attempt में as it is, हम करेंगे डिफरेंशिएट 1 upon x को, 1 upon x का बनेगा माइनस 1 upon x square। ये कैसे बना है जरा इधर देखिए, 1 upon x को हम लिख सकते हैं पावर ऑफ x माइनस 1, तो जब करेंगे हम डिफरेंशिएट पावर ऑफ x माइनस 1 को तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पावर पहले आती है और उसकी पावर में से आप एक और कम कर देंगे, तो इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस 1 upon x square। तो ध्यान रखिए आप हमेशा कि 1 upon x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 upon x square। चलिए उसके बाद आएगा प्लस 1 upon x, ऐसे ही रहेगा हम करेंगे डिफरेंशिएट sin x को, प्लस ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लीजिए, फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट टर्म में रहेगा ऐसे ही और हम करेंगे डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन cos x को, प्लस फिर cos x रहेगा ऐसे ही और हम करेंगे डिफरेंशिएट अपने फर्स्ट फंक्शन log x को। चलिए, सो माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इनटू sin x बनेगा cos x log x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x आ जाएगा माइनस sin x, फिर cos x रहेगा ऐसे ही और हम करेंगे डिफरेंशिएट log x को, उसका आएगा 1 अपॉन x। सो इस तरह से हमने डबल डेरिवेटिव कर लिया है कैलकुलेट, इट इज डबल डेरिवेटिव। रिगार्डिंग टू द फंक्शन साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, क्लियर। चलिए आगे, y equals to e to the power x into e to the power x, ये मेरे पास में एक फंक्शन है और हमें निकालना है इसका डबल डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको दोनों तरफ, d upon dx of y equals to
डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ वाई ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी को आप वाई डायरेक्ट लिख सकते हैं. जब करेंगे आप इसको डिफरेंशिएट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ए टू द पावर एक्स एंड ए टू द पावर एक्स. सपोज ए टू द पावर एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन, ए टू द पावर एक्स इज द सेकंड फंक्शन. सो इन फर्स्ट टर्म फर्स्ट फंक्शन विल बी अनचेंज्ड, सेकंड फंक्शन विल बी डिफरेंशिएट. प्लस इन सेकंड अटेम्प्ट सेकंड फंक्शन विल बी अनचेंज्ड, फर्स्ट फंक्शन विल बी डिफरेंशिएट. So y dash equals to e to the power x into differentiation of a to the power x, वो होता है e to the power x into log e a plus a to the power x रहेगा as it is, differentiation of a to the power x वो रहेगा as it is. अब दोबारा से फिर करते हैं इसको differentiate because we want to calculate the double derivative. So, y dash बन जाएगा y double dash. अब जरा ध्यान से देखिए प्रोडक्ट रूल यहां पे अप्लाई होगा, उसके बाद प्रोडक्ट रूल यहां पे भी अप्लाई होगा. मान लीजिए ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट फंक्शन रहेगा एच इज, हम करेंगे यहां पे लॉग ई ए, ये कॉन्स्टेंट पार्ट है जिसको हम लिख लेते हैं शुरू में e की पावर x एज इट इज, और हम करेंगे डिफरेंशिएट ए टू द पावर एक्स को. उसके बाद ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए एज इट इज, हम करेंगे डिफरेंशिएट ए टू द पावर एक्स को. प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, हम करेंगे डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन ए टू द पावर एक्स को. फिर ए टू द पावर एक्स एज इट इज, और हम करेंगे डिफरेंशिएट फिर ए टू द पावर एक्स को. प्रोसेस बहुत सिंपल है, एक ही फंक्शन को कंटिन्यूअसली टू टाइम डिफरेंशिएट करने के बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन या फिर डबल डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. लॉग ई ए इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई ए ए टू द पावर एक्स रहेगा एज इट इज. इंटू लॉग ई ए ई की पावर एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए. सो इस तरह से ये हमारे पास आ चुका है डबल डेरिवेटिव मीन्स डबल डिफरेंशिएशन. क्लियर? ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को. तो आज आप भी आरडी शर्मा में से एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दी हुई है लास्ट में पॉइंट फाइव और पॉइंट सिक्स, वहां पे क्वेश्चन दिए हैं डबल डेरिवेटिव के, आप उन क्वेश्चन को कीजिए. ठीक है,
चलिए और क्वेश्चन लेके चलते हैं। y प्लस क्यू साइन इनवर्स x इंटू cos x, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, सो साइन इनवर्स x इज द फर्स्ट फंक्शन, cos x सेकंड फंक्शन, सो y बनेगा dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन इन फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी अनचेंज्ड, देन सेकंड फंक्शन विल बी डिफरेंशिएट, सो साइन इनवर्स x रहेगा एज इट इज, हम करेंगे डिफरेंशिएट cos x के, फिर cos x रहेगा एज इट इज और हम करेंगे डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x को, क्लियर, बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट रूल, सो dy upon dx equals to sin inverse x, differentiation of cos x it is minus sin x plus cos x, differentiation of sin inverse x it is 1 upon under root 1 minus x square, clear, चलिए अब करेंगे हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट, तो जब दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएट जरा ध्यान दें, ये बनेगा फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, और हो जाएगा यहां पे डी अपॉन डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट, इन दोनों पे अलग उन दोनों पे अलग, ठीक है, तब जाके इसको आप कर पाएंगे। चलिए आप क्वेश्चन लेते हैं, y प्लस टू एक्स इंटू टू टू पावर एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है और निकालना है डबल डेरिवेटिव, तो y से बनेगा dy upon dx, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इन फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी अनचेंज्ड एंड दैट टाइम सेकंड फंक्शन विल बी डिफरेंशिएट, उसके बाद सेकंड रहेगा अनचेंज एंड फर्स्ट फंक्शन विल बी डिफरेंशिएट, चलिए x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटू द पावर x, ये रहेगा इंटू द पावर x प्लस इंटू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होता है हमेशा 1, अब इन दोनों में से इंटू द पावर x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x प्लस 1, सो वैल्यू ऑफ dy / dx मींस फर्स्ट डेरिवेटिव इज दिस, इसको करते हैं फिर अगेन डिफरेंशिएट, सो d / dx ऑफ dy / dx equals to d upon dx over to the power x into x plus 1, तो ये आ जाएगा d to y upon dx square equals to ये first function second function, first function will be unchanged second function will be differentiate after this plus, now second function will be unchanged and differentiation of the first function, now e to the power x into differentiation of x plus 1, it will be distributed to both function separately on x and separately on 1, 1 is a constant function and you know that differentiation of constant function is always 0, so we have from here 1 plus 0 plus x plus 1 differentiation of e to the power x square e to the power x, so required answer is e to the power x plus e to the power x into x plus 1, now you can take a common from this, so double derivative is d to y upon dx square equals to take out the common from these two terms which is e to the power x, so 1 plus x plus 1 and required result is e to the power x into x plus 2, it is double derivative, क्लियर, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ में, यहाँ पे काफी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं आपके, यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उसमें आप सिंगल डेरिवेटिव निकालिए डबल निकालिए, फिर जो प्रूव करवा रहे हैं आपसे इक्वेशन वहां पे आप सिंगल डेरिवेटिव के प्लेस पे रख दीजिए उसकी वैल्यू, डबल डेरिवेटिव के प्लेस पे रख दीजिए आप उसकी वैल्यू, कहीं पे वाई दिया हुआ है तो वाई की वैल्यू भी रख दीजिए, लेफ्ट को सोल्व कीजिए तो राइट साइड आ जानी चाहिए,
यानी कि आप सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव को इक्वेशन में रख करके उसका लेफ्ट पार्ट लेकर के चलेंगे, और लेफ्ट पार्ट लेकर के चलने के बाद आप उसको प्रूव करेंगे, ठीक है।